पाकिस्तान के घर के नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, पाकिस्तान के घर के नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। शिवखोड़ी थमां रियासी आवा करदी शिवभगतें दी भरोची दी बसा पर आतंकवादियों पासिया कीती दी फायरिंग की ली है। शिवसेना डोगरा फ्रंट की बखी का अज जम्मू च एक विरोध प्रदर्शन जिहड़ा है उसका आयोजन किया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जिहड़ी नारेबाजी है वो डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता उनकी बखी का की जा करती है। 10 जिहड़े शिव भगत है उनकी मृत्यु हो गई और 33 के करीब जिहड़े शिव भगत है वो जख्मी हो गए हैं और लगातार जिहड़ी नारेबाजी है वो की जा करती है और सरकार की बखी का मंग की जा करती है कि पाकिस्तान उपर एक और बालाकोट जिहड़ी स्ट्राइक है वो की जा ता जे पाकिस्तान की जिहड़ी अकल है वो ठिकाणा आई सके। प्रोटेस्ट रियासी के अंदर जो निर्मम हत्याएं पाकिस्तान के माध्यम से की गई है उसका विरोध करने का प्रयास करना चाहता हूं। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये साजिश के माध्यम से हुआ कि माता वैष्णो देवी के यात्री और मोदी जी की ओथ सेरेमनी इसके अंदर खलल पड़े। हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया, हिंदू और मुसलमान के अंदर युद्ध हो वैसी परिस्थितियाँ यहाँ पैदा करने का प्रयास किया गया है। अटैक है जी, मैं कह रहा हूँ सीधा अटैक करो बालाकोट, 2-3 घटनाएं पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो जितने भी होंगे। पाकिस्तान का फ्लैग भी आपने आज लाया, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि विरोधाभास प्रकट कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, हमारे घर में सब कुछ है और तुम्हारे घर में क्या है, इसलिए तुमको बड़ी तकलीफ है कि हिंदुस्तान के पास सब कुछ है। जो भी इसके अंदर दोषी है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन माननीय मोदी जी आप सत्ता के अंदर आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, एक और बालाकोट करो, पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो, पाकिस्तान के घर के नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। अरे आटा फुलका 100 रुपये का आटा, 200 रुपये किलो, और हिंदुस्तान को तंग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ओथ सेरेमनी के अंदर कौन कौन आया बड़ा स्पष्ट दिखता है, हमारे साथ कौन कौन है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी, ये जो घटना श्रद्धालुओं पर अटैक हुआ है ये बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी जी आपने चुनाव के अंदर कहा था जो मेरे से टकराएगा मैं उसको चूर चूर कर दूंगा, अब समय आ गया, एक और बालाकोट करो, ये देखो मोदी जी एक और बालाकोट करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद। शिवसेना डोगरा फ्रंट की बखी का पाकिस्तान के खिलाफ लगातार लारेबाजी की जा करती है और 63 के कोल आतंकवादियों श्रद्धालुओं पर की दी फायरिंग जिस 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी दी है ते 33 के करीब जड़े न वो जख्मी हो चुके हैं। उसके लिए ये प्रदर्शन जोड़ा है ये जारी है और लगातार शिवसेना डोगरा फ्रंट के कारकुने की बखी का नारेबाजी की जा करती है और तो दिखा करते हो कि हत्थे च तिरंगे झंडे लिए कारकुन लगातार जी नारेबाजी वो करा करते हैं।